नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। राज्य में हाई स्पीड सड़कों की जाल बिछ रही है। चकिया प्रखंड क्षेत्र का नरहर पकड़ी एक ऐसा गांव है जो बरसों से उपेक्षित है। गांव के बीच से गुजरने वाली सड़क जो प्रखंड मुख्यालय सहित अन्य शहर को जोड़ती है, यह सड़क कच्ची है। इस सड़क को ग्रामवासी पक्कीकरण के लिए जनप्रतिनिधियों सहित सक्षम अधिकारियों से मांग करते रहे हैं, परंतु दशकों बीतने के बाद इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। वहीं इस गांव का भौगोलिक बनावट भी जटिल है। तीन तरफ से बूढ़ी गंडक नदी से घिरा है तथा प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेलता है। बरसात के दिनों में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव चारों तरफ से पानी से घिर जाता है, फिर आवागमन का एकमात्र साधन नाव बचता है, जिसके सहारे लोग दूसरे गांव या शहर से आवागमन करते हैं तथा अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। इस गांव की आबादी लगभग 1000 की है, जो अति पिछड़ा तथा दलित वर्ग से है। यहाँ के मतदाता अपनी पुरानी मांग पूरा नहीं होने से खासे नाराज है। रोड नहीं तो वोट नहीं का निर्णय लिया है तथा गांव के प्रवेश सीमा पर वोट बहिष्कार का एक बैनर लगा दिया है। रिपोर्ट अमितेश कुमार। मोहन कुमार पटेल हुआ, कहाँ का हुआ? चकिया प्रखंड नहर पकड़ी वार्ड नंबर 6। बोलिए। हम लोग वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं और हमारे गाँव इस वार्ड में जाने के लिए पहुँच पथ यही एक मार्ग ही है, जो बाढ़ आने के कारण टूट चुका है। अभी तक न कोई स्थानीय शासन या प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है से रोड नहीं तो वोट नहीं। हर हाल में रोड अगर नहीं बनती है किसी भी हाल में तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम जन्म पटेल। कहाँ घर हुआ? सबली, वार्ड नंबर 4, भिलवा पंचायत, प्रखंड मधुबन, विधानसभा 16 से हम लोग अवस्थित सबली ग्राम के निवासी हैं। हम लोगों को सबली से आने का एक ही मुख्य मार्ग जो नरहर पकड़ी घाट होकर के जाना पड़ता है, और यह बाढ़ के आक्रमण से हम लोगों को जो सड़क है, मुख्य मार्ग है, वह टूट गई है, जिसे हम लोग पीड़ित हैं। और इस आक्रोश में पूरे ग्रामीण के सहयोगों से वोट बहिष्कार कर रहे हैं।